मेनकिन बुजदिल कार्रवाइयों से, बुजदिलाना कार्रवाइयों से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। मैसेज इनको देना चाहता हूँ कि इनकी नस्लें भी आप याद रखेंगी। मुझे चौधरी असलम बोलते हैं, मैं आपके चैनलों से बार बार ये कह रहा हूँ कि इनकी नस्लें आप याद रखेंगी कि मैं इनके साथ क्या करूँगा। इनकी नस्लें याद रखेंगी, मैं इनके साथ क्या करूँगा। हमारे साथ आज वही मेहमान हैं जिनका ये शॉट आपने अभी सुना, चौधरी असलम खान, मोहम्मद असलम खान साहब उर्फ चौधरी असलम खान, आला ऑफिसर ऑफ द पाकिस्तान पुलिस, CID के अंदर काम करते हैं। खान साहब, थैंक यू वेरी मच आपने हमें ज्वाइन किया, हमें अपना वक्त दिया। बड़ी मेहरबानी सर। पहले तो ये बताइएगा कि आप अभी तक 7:20 पे फेज़ 8 में डिफेंस की तारीख में पहली दफ़ा, कराची के इस इलाके की तारीख में पहली दफ़ा कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ, इतना बड़ा वाकया हुआ, काफ़ी ताज़ात सामने आया कि ये किसने किया, कैसे हुआ, ख़ुदकुश हमला था या नहीं था, अभी तक कुछ क्लैरिटी सामने आई है सर कि कुछ पता चला है ख़ुदकुश हमला था या नहीं था? सर इसमें क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस बात का बेहतर जवाब देंगे, और इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हमने तो जो FIR कटाई है वो तो बिल्कुल हमने तो ये कटवाई है कि ये खुदकश हमला था। ठीक, आपके ख्याल में आपने कहा कि जिन लोगों ने ये किया है उनको मैं आपके घर के सामने गढ़ा बना, आपने कहा कि मैं वहीं दफनाऊंगा, आप समझते हैं आपके खिलाफ अगर आपके इतने दुश्मन हैं, अगर आपने सियासी तारीख में, कराची की तारीख में सियासी जमातों के खिलाफ ऑपरेशंस में आप रहे हैं, तालिबान के खिलाफ ऑपरेशंस में आप रहे हैं, मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ ऑपरेशंस में आप रहे हैं, पीपल्स पार्टी का एक फ्रंट लाइन ऑफिसर, स्ट्रीट ऑफिसर आप रहे हैं, रहमान डकैत के हवाले से कहा जाता है कि आपकी पुलिस स्क्वाड थी जिसने फाइनली इनकाउंटर किया था उन्हें, आप सर समझते हैं कि काफ़ी सारे आपके दुश्मन हैं उनमें से कोई भी हो सकता है, या आपको पता है ये किसने किया है? मैंने एक तो किसी सियासी पार्टियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया, मैंने हमेशा क्रिमिनल के खिलाफ ऑपरेशन किया, और जो भी मुझे गवर्नमेंट ने टास्क दिया उसको मैंने अपना फ़र्ज सर के निभाया। और जहाँ तक ये हमले का ताल्लुक है, ये TTP ने किया, मैं चीख चीख के कह रहा हूँ कि ये TTP ने किया है, ये अकीमुल्ला मसूद वालों ने कराया है, और मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं बिल्कुल इनको नहीं छोड़ूंगा। इनको इन्होंने शेर के मुंह में हाथ दिया है, इसकी इनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर आप सही है, आप नहीं छोड़ेंगे, आपकी आपकी जो करियर है वो भी यही कहता है कि आप नहीं छोड़ेंगे। आपके ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं अगर उनकी तरफ आ जाएं चौधरी साहब, तो ये कि आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, आपको लगता है कि इंसाफ जो है वो आप बेहतर फराहम कर सकते हैं, स्ट्रीट जस्टिस में थोड़ा बिलीव करते हैं, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी इनकाउंटर ऐसे नहीं किया कि मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने जिस आदमी ने मुझ पर गोली चलाई मैंने उसको पे अपने दफा में गोली चलाई, मुझको मेरे ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है। मुझ पर एक इल्ज़ाम लगा था, बल्कि दो इल्ज़ाम लगे थे, एक मेरे पे जाली कैद बनाया गया था एक साजिश के तहत कि मैंने माशूक बरोई को मर्डर किया, सुभान अल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उसमें बरी हो गया। दूसरा केस मुझ पर बनाया गया कि मैंने रहमान डकैत को जाली इनकाउंटर में मारा है, वो भी अल्लाह पाक के हुक्म से हाई कोर्ट के ने उसका केस रजिस्टर कराया मेरे ख़िलाफ़, और उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई और बहुत सुपीरियर अफसरान से उसकी तफ्तीश कराई, बहुत आनेस्ट अफसरों से उसकी तफ्तीश कराई, और मैं बरी ज़िम्मा करार पाया। मेरे ऊपर कोई भी जेली इनकाउंटर का केस नहीं है। जिसने भी मुझ पर गोली चलाई, जिसने मुझे मारने की कोशिश की, वो इनकाउंटर में मारा गया। आपको और मेरा माजी इस बात का गवाह है कि कोई भी बड़े से बड़ा, भले कोई अंडरवर्ल्ड हो, भले वो रहमान हो, भले वो कोई और हो, भले कोई भी बड़े से बड़ा क्रिमिनल हो, जब गवर्नमेंट मुझे टास्क देती है उसको पकड़ने का, तो मैं उसको अपना फ़र्ज समझ के उसको निभाता हूँ। सही चौधरी साहब, एक दो बातें मेरे लिए वाजे कीजिएगा। सर मेरे पास खबरें हैं लेकिन मेरे पास उनकी मैं तस्दीक नहीं कर सकता, तो आपसे चाहूँगा कि आप मुझे बताइए, उसकी तस्दीक कीजिए या तरदीद कीजिए। कहा जाता है कि जो 1992 में ऑपरेशन हुआ था जिसके अंदर आप कहते हैं कि क्रिमिनल्स के खिलाफ हुआ था, और बिल्कुल ठीक कहते हैं कि पुलिस का इस्तेमाल हुई थी, फ़ौज ने किया था वो ऑपरेशन, लेकिन जो सियासी जमात MQM है वो फरमाती है कि उनके लोगों के खिलाफ ये ऑपरेशन क्लीन अप वो लोग टारगेट हुए थे। सर आप उसी ऑपरेशन का आप फ्रंट लाइन हिस्सा थे? सर फ्रंट लाइन ऐसे से मैं समझा नहीं कि फ्रंट लाइन ऐसा क्या होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट की डिमांड थी वो मैंने किया। ठीक, सही। और वो गवर्नमेंट की डिमांड उस वक्त जो हो रहा था, सर गवर्नमेंट की डिमांड से मुराद उस वक्त जो हो रहा था,
जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स थे, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स थे वो फायरिंग करते थे, पुलिस वालों को मारते थे तो पुलिस वाले उनको मारते थे। अब ये तो नहीं है ना कि कोई पुलिस को मारेगा तो पुलिस वाला उसके ऊपर फूल फेंकेगा। ठीक, बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं चौधरी साहब, ब्रेक से जब वापस आएंगे, व्यूअर्स आप देख रहे हैं ना, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ये जितने आपके वीडियोस इंटरनेट पर सामने आ रहे हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने हवाला दिया था कि रिमांड डकैत को मैंने मरवाया, अब वो उसके अंदर भी अगर जो हाथ इस्तेमाल हुआ वो चौधरी साहब का इस्तेमाल हुआ या नहीं, ये मालूम करने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सियासत मनाएं, बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।